हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान चुनाव से अहम पहले भाजपा ने प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया है। राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने शनिवार को राजस्थान गौरव यात्रा शुरू कर दी है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को चारभुजानाथ मंदिर से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पार्टी के अनेक आला पदाधिकारी और सरकार के अनेक मंत्री मौजूद रहे। यात्रा का पहला पड़ाव कांकरोली रहा, जहां के जेके स्टेडियम में एक विराट रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि यदि प्रदेश की जनता विकास चाहती है तो उसे हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा को बदलना होगा। इससे पहले अमित शाह और सीएम वसुंधरा राजे ने चारभुजानाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और संतों महात्माओं का आशीर्वाद लिया। बाद में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने झंडी दिखाकर यात्रा को औपचारिक रूप से रवाना किया। कांकरोली के जेके स्टेडियम स्थित सभा स्थल के मंच पर शाह और सीएम वसुंधरा ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने मंच पर अमित शाह का स्वागत किया, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी ने मुख्यमंत्री राजे का स्वागत किया। अमित शाह को मेवाड़ी पगड़ी पहनाई गई, जबकि वसुंधरा राजे को चुनरी ओढ़ाई गई। सभा स्थल पर मोदी मोदी के नारे लगे। अमित शाह ने मंच पर बटन दबाकर कई विकास कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम राजे ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा एक बार फिर विराट विजय का संकल्प लेकर चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस ने हमेशा फूट डालने की राजनीति की है। प्रदेश में लोगों को अब विकास के लिए 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा को बदलना होगा। उन्होंने सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया और प्रदेशवासियों से एक बार फिर भाजपा का साथ देने का आह्वान किया। राजसमंद कांकरोली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।